अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मिंग विद उस्मान। आज एक अहम टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज फॉल आर्मीवर्म के मुताबिक बात करेंगे, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताएंगे एंड तक, किस तरह वो डैमेज करता है, उसकी कौन सी स्टेज जो है मोस्ट डेंजरस है क्रॉप के लिए, किस तरह डैमेज करता है, ठीक है, और आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह बताएँगे किस तरह करता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज। ये जी जिस तरह देखते हैं आप ये प्लांट, उसमें ये मेनली जो भी चीज़ है इसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि ये उसका अटैक हुआ है, ठीक है। अटैक मींस के उसकी मौजूदगी का पता चलता है, उसके ये फीसिस है, ठीक है, उसने इधर डैमेज करना शुरू कर दिया, ये मेन चीज़ है। अगर इसको ये मेन स्टेम इसको अगर डैमेज कर दिया तो अदरवा हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट टेसल यानी कि छली जो होगी हमारे पास नहीं आएगी, और हमारी जो है कास्ट यानी कि प्रॉफिट जो होगा एंड जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास नहीं आएगा। ये मोस्ट डेंजरस है इस मेज क्रॉप के लिए, मकई के लिए, और जिस तरह डैमेज करते हैं आपको अब दिखाते हैं, इसके जो लार्वा वगैरह उसकी आपको निकाल के बताते हैं कि किस तरह हम ये करेंगे कि इसका जो मेन प्लांट है सेंटर से उसको अपलोड करेंगे, उसे देखेंगे आया उसमें मौजूद है उसकी पॉपुलेशन के लार्वा खुद मौजूद है कि नहीं। ये देखें जी, एक इसका थर्ड फोर्थ जो है लार्वा स्टेज इसकी लार्वे की मौजूद है। ये देखें इसके, ये देखें फ़िलहाल ये अपनी आराम कर रहा है। जो इसका जो मेन काम शुरू होता है वो रात को शुरू होता है, रात को ये अपना डैमेज करना स्टार्ट करता है, फीडिंग करता है। मेन जो फीडिंग करता है, फीडिंग का वे है जो इस तरह खरेज के करता है, यानी कि इसको कुतर के करता है, आर्मी वर्म का जिस तरह करता है छलनी कर देता है हर तरह से। ये देखें इसकी मूविंग चेक करें, ये मेन जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है उल्टा वाय होता है इसके सर पे, ये आपको जूम करके दिखाते हैं, ये इसके सर पे ये उल्टा वाय है, और एंड द एंड इसका जो है ये इसके जो मार्क्स हैं ये वाले एंड द एंड ऑफ एब्डोमेन, ये इसकी निशानी है, ठीक है। ये चेक करें, ये अब रेस्टिंग स्टेज में ये रात को अपना काम शुरू करेगा, फीडिंग करेगा। इसका जो मेन है किस तरह हमने ये करनी है, इसकी टेस्ट कोडिंग करनी है, जब ये 4 to 6 लीव होगा यानी कि 15-20 दिन की क्रॉप हो जाएगी, हमने इसकी टेस्ट कोडिंग डेली बेस पे स्टार्ट कर देंगे, हफ्ते में 2-3 दफ़ा करेंगे। टेस्ट कोडिंग करने का तरीका है कि हम देखेंगे आया उसके जो प्लांट है वो मेन शूट है उस पर उसके पीसेस मौजूद हैं और प्लांट डैमेज मौजूद है, तो हम उसको करेंगे एवेल्यूएट करेंगे इस तरह डैमेज हम ऑन जनरल है इसका ETL क्या है, ऑन पेरेंट्स हम अपना केमिकल एप्लीकेशन शुरू कर देते हैं। तो ये थी, ये मेन चीज़ें थी इसकी, और जो मेन प्रोडक्ट हैं इसके लिए FMC का कोराजन है और ट्रैक्टर सुपर, ये दो मेन प्रोडक्ट हैं। ये इनकी रेपिटेशन की जाए या इनको किया जाए इनसे बेस्ट रिजल्ट हासिल होते हैं। बर वक्त इसको बचाने के लिए अपनी फसल को इससे कम से कम डैमेज के लिए ये आप लोगों से है कि आप कायदा अपनी फसल का मुआयना करें और चेक करें कि आया कि डैमेज मौजूद है कि नहीं। सबसे बेहतरीन तरीका है आप इसे आप खुद चेक करें, कोई मसला नहीं है, अपनी फसल में जाएं जब ये स्टेज हो, जो हमारी इधर जो फसल की है तो 4 to 6 लीव है, ठीक है, आप जाएं अपनी चेक कर लें, ये हम आपको साथ देते हैं 6 to 8 इज स्टेज है, तो इसको चेक करें, ठीक है। अगर मौजूद है डैमेज इसका तो एक अपने जो एकड़ है उसमें डिफरेंट 4-5 लोकेशन सेलेक्ट करें, उसमें 5 मेन जो होता है 5 पॉइंट मेथड 5 डिफरेंट जगह सेलेक्ट कर लें, ठीक है, उनको देखें उन पे डैमेज मौजूद है, 5 जगहों में से मुख्तलिफ पौधे 5 पॉइंट पौधे सेलेक्ट करें, उन पर देखें उनके एट द एंड उनके एवरेज निकाल लें कितना उसका डैमेज मौजूद है। अगर है उनकी एवरेज आती है एट द एंड के आपको मालूम होता है उसका ज़्यादा अटैक है तो आप फौरन उसको एप्लीकेशन की तरफ जाएँ केमिकल एप्लीकेशन में, ताकि आपका जो है कास्ट भी कम हो, अल्टीमेट आपका प्रॉफिट इन्हांस हो जाए। तो आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह इसी तरह के मुफीद वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर होंगे और आपको बताएंगे किस तरह किसान जो है कम पैसे से यानी कम कास्ट से मैक्सिमम अपनी प्रोडक्शन यील्ड कर सकता है और किस तरह अपनी फसल को खुद चेक कर सकता है। किसी की ज़रूरत नहीं आपको फलाना, एक सिंपल फार्मर जाए अपने खेत में जाए और उसको आइडेंटिफाई करे कि ये है जिस तरह आपको हर चीज़ विजिबल कर दी गई है आर्मी में, इसका ये अटैक।
अपनी फसल में खुद आइडेंटिफाई करते हैं कीड़े को, क्या बीमारी है, क्या कुछ है, तो आप इजीली खुद अपना कंट्रोल की तरफ जा सकते हैं। किसी पे इंसार करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। खुद आपको पता होना चाहिए ये कीड़ा है, इसके लिए फलानी बेस्ट है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।